साथियों, आज जैसे कि हम बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं और वैसे तो ये 6 दिसंबर को मनाना चाहिए था, लेकिन प्रदेश का कार्यक्रम 6 दिसंबर का था, इसलिए प्रदेश कार्यकारिणी के नेतागण बिजी होने की वजह से ये कार्यक्रम आज के दिन रखा गया और कुछ साथियों को इससे नाराजगी भी हुई है। तो भाई देखो, मैंने पहले भी बहुत साथियों को बोला है कि अगर मकसद नेक है तो इन चीजों को आप छोड़ दें और सहयोग में आए। दूसरा ये है कि इस कार्यक्रम को हमने विजय संकल्प दिवस एवं श्रद्धांजलि समारोह के रूप में यहां मना रहे हैं। विजय संकल्प दिवस साथियों, इस बात को आप गौर करें कि 9 अक्टूबर को रोहतक में युवा संकल्प दिवस हम लोग हरियाणा में मना चुके हैं और अब बहादुरगढ़ जो कि गेटवे ऑफ हरियाणा और गेटवे ऑफ दिल्ली है, इधर से इधर जाएंगे तो दिल्ली का रास्ता खुलता है और इधर आएंगे तो हरियाणा का। कहने का मतलब यह है कि इसलिए ये विजय संकल्प बहादुरगढ़ की युवा टीम ने बहादुरगढ़ में करने का निर्णय लिया कि दोनों रास्ते हमें खोलने हैं, दिल्ली की तरफ भी जाना है जहां भैंसी को पहुंचाना है और हरियाणा की तरफ चंडीगढ़ में पहुंचना है जहां के हमारे नेतागण तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें साथियों, इस विजय संकल्प दिवस को मनाने में, पूरा करने में B1 के मेरे साथियों का अमूल्य योगदान रहा है, जिसको मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। वो दो दो तीन तीन बजे तक रोड पर रहे हैं, होर्डिंग लगवाए हैं, 15-15 दिन की छुट्टियां ली हैं और इसके साथ साथ BSP की टीम ने बहुत ही जबरदस्त सहयोग किया है, जिसकी वजह से ये प्रोग्राम आज सफल हो पाया है।